हेलो एवरी वन वेलकम टू ए लीड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस एन मैट स्पेसिफिक थिंग्स एन मैट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज सीरीज सीरीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर कुछ नंबर दिए होते हैं और कुछ पैटर्न बन रहा होता है ठीक है ना तीन से चार क्वेश्चन उस टाइप के हर बार एन मैट में आते हैं ठीक है हम लोग वो क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हर एक वीडियो में वी विल डिस्कस थ्री टू फोर वेराइटीज ऑफ सीरीज क्वेश्चन कि एक सीरीज के क्वेश्चन जो होते हैं इस पर्टिकुलर पैटर्न पे है दूसरे टाइप ऑफ सीरीज क्वेश्चन प्राइम पैटर्न पे है तीसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन वैल्यूज चेंज के पैटर्न पे है तो इस तरह से हम लोग हर एक वीडियो में दो से तीन पैटर्न कवर करेंगे जिससे कि तुम्हारा ओवरऑल एक आइडिया तुम्हें लग जाए कि सीरीज के क्वेश्चन इस पैटर्न पर मेरे बनते हैं ठीक है स्टार्ट करते हैं डिस्कशन सो दिस इज फर्स्ट सीरीज इफ यू विल सी फर्स्ट नंबर इज इलेवन सेकेंड नंबर इज फोर्टीन थर्ड नंबर इज नाइनटीन फोर्थ नंबर इज ट्वेंटी एट फिफ्थ नंबर इज फोर्टी थ्री एंड यू वॉन्ट टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है टाइप वन सबसे पहले तुम्हें जब प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो पहले टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं दैट दो हम लोग कहते हैं डिफरेंस सीरीज डिफरेंस सीरीज का मतलब ये है कि पहला जैसे नंबर है इलेवन सेकेंड नंबर फोर्टीन है अगर इनका डिफरेंस करोगे यू विल गेट थ्री नाइनटीन है उससे पहले फोर्टीन है एक नाइनटीन नंबर है फोर्टीन है ट्वेंटी इन एट इनका डिफरेंस करोगे यू विल गेट फिफ्टीन ये एक डिफरेंस हुआ फिर से एक और बार अगर डिफरेंस करते हैं तो यू विल गेट टू हेयर यू विल गेट फोर हेयर गेट सिक्स हेयर दैट मीन द नेक्स्ट डिफरेंस शुड बी एट तो ये जो वैल्यू आएगी फिफ्टीन प्लस एट ट्वेंटी थ्री ये वैल्यू आ गई तुम्हारी ट्वेंटी थ्री जैसे समझो पहला नंबर था इलेवन इलेवन में थ्री तुम एड कर रहे थे यू आर गेटिंग फोर्टीन फिर फोर्टीन था फोर्टीन में यू आर एडिंग फाइव नाइनटीन नाइनटीन में यू आर एडिंग नाइन ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट में यू आर एडिंग फिफ्टीन फोर्टी थ्री नाउ वेन यू विल एड ट्वेंटी थ्री इन फोर्टी थ्री यू विल गेट द वैल्यू एस सिक्स नंबर जो होगा सीरीज का विल बी सिक्सटी सिक्स के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं डबल डिफरेंस सीरीज ये फर्स्ट टाइप ऑफ सीरीज का फॉर्मेशन होता है और काफी क्वेश्चन अगर किसी पर्टिकुलर पेपर में पांच क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक से दो क्वेश्चन डबल सीरीज के ही होते हैं वहां पर एक बार मैं फिर से इसको डिफाइन कर दूं कि पहले जो तुम्हारा नंबर है इलेवन यहां से थ्री जा रहा है फोर्टीन इलेवन से यू आर गेटिंग फोर्टीन फोर्टीन से देन यू आर एडिंग फाइव तो यू आर गेटिंग नाइनटीन नाइनटीन में यू आर एडिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज नाइन यू आर गेटिंग ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट में यू आर एडिंग फिफ्टीन यू आर गेटिंग फोर्टी थ्री अब अगर तुम देखोगे यहां पे इस थ्री और फाइव का जो डिफरेंस है दैट इज टू फाइव और नाइन का जो डिफरेंस है दैट इज फोर नाइन और फिफ्टीन का डिफरेंस है दैट इज सिक्स जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा तुम्हारा जो भी नेक्स्ट डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल टू एट तो यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्वेंटी थ्री सो योर आंसर विल बी फोर्टी थ्री प्लस ट्वेंटी थ्री दैट विल बी सिक्सटी सिक्स तो ये होती है हमारी डबल डिफरेंस सीरीज इस टाइप के काफी क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप अगर ये देखोगे क्वेश्चन विच नंबर इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग सीरीज हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है टेन एक नंबर दिया हुआ है थर्टी एट एक नंबर दिया है सिक्सटी एट वन हंड्रेड थर्टी टू 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 थ्री फिफ्टी एंड हम लोगों से पूछ रहा है कौन सा नंबर रॉन्ग है अब यहां पे देखोगे कि टेन और थर्टी एट के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है 38 और 68 के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है 68 और 130 के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है 130 और 222 के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है अगर थ्री को टेन को देखो टेन इज नथिंग बट क्यूब प्लस टू अगर तुम थर्टी एट को देखो सो दैट इज नथिंग बट अगर थर्टी एट को तुम जाओ या सिक्सटी एट पे जाओ सिक्सटी एट इज फोर क्यूब प्लस फोर वन थर्टी पे अगर जाओ दैट इज फाइव क्यूब प्लस फाइव अगर 220 पे जाओ दैट इज इक्वल टू सिक्स क्यूब टू पे सिक्स क्यूब प्लस सिक्स अगर 350 पे जाओ सो दैट इज नथिंग बट सेवन क्यूब प्लस सेवन दैट मीनस ये जो पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए था दैट शुड बी इक्वल टू थ्री क्यूब प्लस थ्री विच इज थर्टी सो इंस्टेड ऑफ थर्टी एट नंबर शुड बी थर्टी तो ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं इसको हम लोग कहते हैं टाइप टू क्वेश्चन और ये फॉर्मेशन होता है एक्स क्यूब प्लस एक्स फॉर्म के नंबर फॉर्म के नंबर का या एक्स टू दी पावर फोर प्लस एक्स फॉर्म के नंबर का, का इस टाइप का एक फॉर्मेशन होता है एक्स क्यूब प्लस एक्स जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स का मतलब है टू क्यूब प्लस टू थ्री क्यूब प्लस टू फोर क्यू प्लस टू फाइव क्यू प्लस टू सॉरी टू क्यूब प्लस टू थ्री क्यू प्लस थ्री फोर क्यू प्लस फोर फाइव क्यूब प्लस फाइव सिक्स क्यू प्लस सिक्स सेवन क्यू प्लस सेवन इस टाइप का नंबर या तो फॉर्मेशन ऐसा होगा टू स्क्वायर प्लस टू मतलब एक नंबर दिया होगा सिक्स थ्री स्क्वायर प्लस थ्री एक नंबर दिया होगा ट्वेल्व फोर स्क्वायर प्लस फोर एक नंबर दिया होगा तुम्हारा ट्वेंटी ऐसे करके नंबर तुम्हारे पास दिए हुए होंगे तो ये तुम्हारी सेकंड टाइप बनता है सेकेंड टाइप इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर्म या एक्स क्यूब प्लस एक्स फॉर्म ठीक है नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं अब अगर नेक्स्ट फॉर्म पे तुम ध्यान दोगे द नंबर इज देन इज सेवेंटी नाइन देन नंबर इज एटी नाइन नाइन्टी सेवन अगेन सेवनटीन आ गया अगेन नाइन्टी सेवन आ गया अगेन नाइनटी एट आ गया और नेक्स्ट नंबर हमसे पूछ अब अगर ध्यान दोगे ना तो ये ये थर्ड टाइप बनती है हमारा जहां पे डिजिट इंटरचेंज होती है डिजिट इंटरचेंज ये हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन का बनता है जहां पे डिजिट इंटरचेंज क्योंकि तुम्हें समझ आ रहा होगा कि पहले 71, 79, 89, 97 चल रहा है एकदम से 17 आ गया है बीच में एकदम से 97 आ गया मतलब कोई प्रॉपर पैटर्न तो है नहीं यहां पे तो तुम अगर देखो 71 को अगर तुम रिवर्स कर दो डिजिट सो दैट विल बी डिजिटल सेवन को अगर रिवर्स कर दो यू विल गेट नाइनटी सेवन एटी नाइन की डिजिट अगर रिवर्स कर दो यू विल गेट नाइनटी एट अगर तुम नाइन्टी सेवन की डिजिट को रिवर्स कर दोगे यू विल गेट सेवनटी नाइन एंड दैट शुड बी योर मिसिंग नंबर सो आंसर विल बी बी पार्ट तो एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डिजिट इंटरचेंज अगर कोई प्रॉपर तुम्हें पैटर्न नहीं दिख रहा है तो एक बार जस्ट ट्राई करो कि कि शायद हो हो सकता है कि हो है है डिजिट इंटरचेंज रही ठीक ट्राई दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन को ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ व्हाट शुड बी द पैटर्न पूरा पैटर्न बताना कि क्या पैटर्न बन सकता था और क्या आंसर हमारा होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस थ्री मोर वेराइटीज तो तुम्हें एक बार आइडिया लग बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है ना तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज्यादा ऐसा कुछ लर्निंग प्रोसेस नहीं है लेकिन अगर तुम ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे तो जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू सॉल्व इजिल अटैक कर पाओगे जल्दी अगर तुमने ज्यादा से ज्यादा पैटर्न का एक्सपोजर लिया हुआ है जैसे अब तुम्हारे दिमाग में जब एक क्वेश्चन आता है तो पहला जो अटैक होना चाहिए दैट शुड बी डबल डिफरेंस सीरीज की हो सकता है डबल डिफरेंस का फिर तुम्हारे दिमाग में हो सकता है एक अब पैटर्न चलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स फॉर्म का तो नहीं है कहीं डिजिट इंटरचेंज तो नहीं हो रहे तो इस तरह से तुम्हारे पास अगर इनफ पैटर्न होंगे कि हाँ ये 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 पैटर्न के मैंने क्वेश्चन किए हुए थे तो यू विल बी एबल टू अटैक दैट क्वेश्चन इजिली ठीक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओ चलो थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो थैंक्स